में दुर्गेश सिंह चौहान, आज आप लोगों का 25 जनवरी है, सीटेट पेपर बंद चल रहा है, कुछ समय बाद कैंडिडेट छूटेंगे, उनको बताएंगे क्या पेपर छूट ही चुका है। ओवरऑल यदि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है कई कई सेंटरों में, तो यहाँ पे कुछ बच्चों से मैंने रिव्यूज़ लिए, क्वेश्चंस पूछे। यदि आप टेट, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट या केवीएस अन एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्रेकर एग्ज़ाम अभी टू चैनल जो वो कहाँ नेशनल पार्क कहाँ है उत्तराखंड में, हाँ उत्तराखंड में, दिवस वगैरह क्वेश्चन पूछा था, हाँ दिवस पूछा गया था, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया, हाँ हाँ, कोई क्वेश्चन वगैरह, और पूछा गया था पश्चिम बंगाल में बगल में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, हाँ हाँ, कोई क्वेश्चन वगैरह याद हो, और पेडोलॉजी कैसी, पेडोलॉजी बहुत टपा रही है, हाँ हाँ, संस्कृत की ज़्यादा टप है, हाँ हिंदी से कैसे क्वेश्चन, हिंदी तो सही आ रही थी कुल मिला के, लेकिन हाँ हाँ, और कोई क्वेश्चन वगैरह, मैथ में नॉर्मल था, हाँ कोई में एनसीएफ 2005 से एनईपी से क्वेश्चन, एनईपी 2020 पूछी गई, एनईपी और एनसीएफ 2005 के काफ़ी क्वेश्चन, 2005 से पूरे पूरे में, पूरे में क्वेश्चन थे एनसीएफ 2005 से, हाँ हाँ। भैया आपका कैसा पेपर गया, पेपर अच्छा हुआ, क्वेश्चन वगैरह याद है, बिल्कुल याद है, मैथ्स वगैरह कुछ बताइए, क्वेश्चन वगैरह कैसे पूछे जा रहे हैं, मैथ में एक सीरियल पूछी गई थी, दो काम, एक कामा, तीन कामा, पाँच कामा, आठ कामा, दस कामा, और लास्ट वाले जो उसको 15 आएगा इसकी बात, और उसमें पूछा गया था रेक्टेंगल के बारे में पूछा गया था, एक जी एक आयत की सममित रेखाएं सममित होती हैं उसमें कौन सा आता, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, तो मैट उसके बाद पेडागोजी में भाषा किस प्रकार की व्यवस्था है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा कौन सी त्रिभाषा, भाषा हमारी राजभाषा क्या है, तो उसमें तो राष्ट्र राजभाषा थी नहीं, उसका ऑप्शन उसमें था कार्यालय भाषा थी जी। और कोई क्वेश्चन वगैरह, और क्वेश्चन याद है, सीडीपी में भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, भाषा हमारे किस प्रकार के संप्रेषण करती है, एनसीपी 2005 के अनुसार रटन विद्या को हटाकर उसमें संप्रेषणात्मक एवं कुशलात्मक को वर्णन किया गया है, और क्या पढ़ाते थे नहीं रटा हुआ है, और कोई क्वेश्चन वगैरह, हाँ बिल्कुल, जैसे बता दीजिए सारा, ईवीएस के अनुसार पूछा गया असम में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, असम में क्या थे, बांस के घर पाए जाते हैं, तथा हिमाचल प्रदेश में लद्दाख के क्या भाषा शैली, और लद्दाख के अंदर किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, उसके चार ऑप्शन थे, उसका मिलाप किया जाता था, तो उसमें उनको एक दूसरे को मिलाप किया गया था। अच्छा ये बताइए कुछ ईवीएस में कोई क्वेश्चन नए तरीके को देखने के मिले हैं, या जैसे प्रीवियस ईयर आपका एनसीईआरटी था वही क्वेश्चन कुछ नहीं, एनसीईआरटी के समथिंग थे, लेकिन नए क्वेश्चन बिल्कुल बने हैं, रिटर्न जो यूथ का था उसमें 26-27 जिनके आगे की शिफ्ट में लगे उनको क्या पढ़ना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए, उनको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए संस्कृत और ईवीएस पर, ईवीएस पर फोकस करना, और जो पेडागोजी आ रही थोड़ा वो जो प्रीवियस ईयर रिकॉर्डिंग है या भाषा थोड़ी नहीं, प्रीवियस के रिकॉर्डिंग है, भाषा कोई टफ नहीं, एनसीपी और एनसीपी 2005 और एनईपी 2020 के अनुसार ही आ रहा है, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैम आपका कैसा पेपर हुआ, अच्छा था, अच्छा हुआ था, कैसे सीडीपी वगैरह पेपर, सीडीपी बहुत अच्छी थी, क्वेश्चन वगैरह कुछ याद है, एनसीआर बैगोस्की से थे, कोहलबर्ग से थे, प्याजे से थे क्वेश्चंस, स्कीमा से, इसके फोल्डिंग से क्वेश्चन, हाँ वो था दोनों जी जी, और जेंडर से क्वेश्चन वगैरह, हाँ जेंडर था, जेंडर क्वेश्चन, मैम सर अच्छा पेपर था मेरा, अच्छा पेपर जी, हाँ ईवीएस थोड़ा हार्ड लगा, और संस्कृत वो पैराग्राफ क्वेश्चन नहीं थे जो पढ़ाया जा रहा था आपको यूट्यूब, नहीं असम के घर के बारे में था, एक था जरावा जनजाति कहाँ की है, जरावा जनजाति जी, और ये था एक मतलब जुकाम हुआ है, मतलब एक लड़का था, मतलब उसको मतलब क्या, मतलब वो क्या नहीं कर, नहीं दवा नहीं थी सर, हाँ और कोई क्वेश्चन वगैरह, और सर जैसे दुर्लभ प्रजातियों के बारे में था, दुर्लभ प्रजातियों के बारे में, और कोई, और एक गिलहरी करके कोई क्वेश्चन था कि हाँ लुप्त हो गए हैं ऐसा कुछ था, गिलहरी का, गिलहरी असम की का, और कोई हिंदी पेडागोजी, हिंदी सही थी, सेकंड लैंग्वेज कौन सी, संस्कृत, संस्कृत, संस्कृत में कैसा क्या लगा, पैराग्राफ बहुत लेंदी था, हाँ उसको स्टॉल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मैथ इजी आ रही थी, मैथ ठीक थी, मतलब पेपर आज ओवरऑल का कैसा रहा, इजी रहा या टफ रहा, मॉडरेट, नहीं मॉडरेट था, मॉडरेट पेपर जी, आराम से, कितना स्कोर कर रहे हैं आप, 100+, 100+, नाम क्या नाम है आपका, तरु सिंह, भैया आपका कैसा पेपर हुआ, अच्छा हुआ पेपर, अच्छा कोई क्वेश्चन वगैरह याद है, कुछ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नहीं याद है, टीचर कैसे बनेंगे बताइए, आप पढ़ाने जाएंगे, अरे सर बताए बेहतरीन, अरे भाग गए भैया, आपका भैया कैसे पेपर हुआ, अच्छा पेपर गया सर, है अच्छा पेपर, टीचर सब बनेंगे लेकिन बताएंगे कुछ नहीं भैया, यही तो सारी चीजें होती है, क्वेश्चन जैसा कि हमने देखा देंगे, परेशान ना हो, वीडियो हटा, वाइगोत्स्की से पेपर में मतलब क्वेश्चन आया था, पियाजे से क्वेश्चन आया था, कोलबर्ग से आया था, मतलब, और ईवीएस में मतलब जैसे मकान वगैरह पूछ दिया थे राजस्थान के ना, उनका मिलान वगैरह करना था, हाँ क्वेश्चन थे, और इसके बाद जो गिलहरी वाला क्वेश्चन था वो मतलब एक प्रजाति गिलहरी को बड़ी जो मतलब एक एरिया में पाई जाती, अच्छा, तो उसके लिए मतलब आया था कि जो एक एरिया में पाया जाता तो उनको क्या कहेंगे उस जीव को, अच्छा ये बताइए कल जैसे अंकुरित के बारे में पूछा था, पीछे बीज अंकुरित, कल प्याज में क्वेश्चन पूछा गया प्याज से संबंधित, ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, ऐसा नहीं था, संस्कृत में कैसे क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं कुछ, हाँ सर रिलेटिव, हाँ प्रीवियस ईयर टोटल प्रीवियस, और जो जो पैसेज वगैरह था वो तो बहुत ही मतलब
आराम से किया जा सकता। आप पढ़ सकते हैं तो उसका आपको अर्थ समझ में आ सकता। मैं पहले ही बोलता हूँ, जिसने पढ़ाई होगी वो पेपर आराम से कर। आराम से। कैसा मेन पेपर हुआ आपका? पेपर अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। क्वेश्चन वगैरह याद है कुछ? हाँ, क्वेश्चन जैसे गोलकोंडा से क्वेश्चन आया था, सीडीपी तो बहुत इजी आई, सीडीपी बहुत इजी आई थी। हाँ, हिंदी भी इजी आई थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग और जो आपकी पेडागोजी आ रही है, पेडागोजी में जीन पियाजे या बायकोस्की से क्वेश्चन था। हाँ, क्वेश्चन चार रुपए क्वेश्चन पूछा, जीन पियाजे, बायकोस्की, कोलबर्ग क्वेश्चन थे, तीनों से क्वेश्चन थे। एनसीएफ से कोई ऐसा क्वेश्चन था? एनसीएफ क्वेश्चन था, एनईपी क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन। निपुण शिक्षा वगैरह क्वेश्चन? निपुण भारत। कोई फुल फॉर्म क्वेश्चन नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था फुल फॉर्म के संबंध। कौन सा? जारवा जनजाति। हाँ, जारवा जनजाति जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अच्छा, एक अधिनियम आया था जो उसमें पूछा गया था जो सांपों का जो है। सांपों का पेपर हुआ भैया? और बताओ, पेपर बताओ कैसा हुआ? पेपर बढ़िया रहा, बढ़िया। कुछ क्वेश्चन वगैरह बताओ। एनसीएफ 2005 से पूछा गया था। एनसीएफ 2005 से पूछा गया था। हाँ, और उसमें मैथ्स कैसी आ रही? मैथ में सिर्फ 5 क्वेश्चन थे। अच्छा, जो क्रमबद्ध रूप में लिखना है उनको। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? हिंदी तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जो मौसम बड़ा पानी बारिश। हाँ, पानी बढ़िया, पर इसीलिए ठंडे मौसम। हाँ, बस थोड़ा आज की जो संस्कृत थी। हाँ, संस्कृत का हर शिफ्ट में टब आ रही, क्योंकि संस्कृत सीटेट। हाँ, पहला पैराग्राफ भी उसका बहुत ज्यादा हाई फाई आ रहा है। पैराग्राफ भी हाँ बहुत बड़ा दिक्कत हो रही, समय ज्यादा, इतना ज्यादा समय लग रहा है कि बहुत ज्यादा। फिर भी स्कोर कितना कर रहे हैं आप? इसको तो वो तो 100-200 रहता है, लेकिन अब वो तो रिजल्ट आने को ही पता लगता है कि कैसा क्या है। यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा टफ था, फिर सेकंड नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में देखा है संस्कृत थोड़ा बहुत। अच्छा, ये बताइए आप लोगों ने नोट्स कैसे पढ़े, कैसे तैयारी की थी नोट्स? नोट्सों की तैयारी सर, एक तो क्रेकर हवे एग्जाम है कानपुर उनका, और एक सचिन सर की मैराथन देखी थी, और सेकंड पे हिमांशी मैम, यानी कि तीनों लोगों का देख करके पेपर बाय टॉपिक। और ये रिव्यू आप लोगों के लिए बहुत परफेक्ट रहने वाला है जिनके आगे के शिफ्ट में। तो भैया आप सारी चीज़ें बेसिक से बता दीजिए एकदम। जी जी, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, मेरा नाम सोम शुक्ला है, और इसके बाद पैडागोजी से स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले पैडागोजी में नॉर्मल से क्वेश्चन आए थे, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आया था भाषा अर्जन एवं अधिगम क्या होता है। तो यहाँ से एक यहाँ से सबसे पहले बायकोस्की के अनुसार भाषा अर्जन और भाषा अर्जन एक मातृभाषा की तरह होता है, स्वाभाविक जो सीख लेते हैं किसी भी अधिगम की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद एक आया था क्वेश्चन कि भाषा हमको कहाँ से प्राप्त होती, तो भाषा हमको सामाजिक और संस्कृत के माध्यम से प्राप्त होती है, जो चोमोस्की का कथन था। इसके बाद यहीं पर एक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में आया था, जो जीन पियाजे जी ने दिया था। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आया था रीना अपनी बहुबुद्धि के बारे में सोचती तथा दूसरों के बारे में विविध प्रकार के क्रियाकलापों के बारे में संकेत करती है, तो उसका था मतलब 18% इसका ऑब्जेक्शन था। इसके बाद भाषा हमारी कैसी व्यवस्था है, तो भाषा हमारी व्यवस्थाओं की व्यवस्था, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। इसके भाषा से काफ़ी क्वेश्चन जी 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 और क्वेश्चन पूछा गया था एनसीएफ 2005 हमको किस प्रकार से बल देती है। एनएपी 2005 हमको भाषा रटंच से हटाकर, लेकिन भाषा मतलब एक आनंदपूर्वक भारत केंद्रित शिक्षा पर बल देती है, और भाषा में रटंत प्रणाली से मुक्ति को मिलती है। इसके बाद एनईपी 2020 में आया था, एनईपी 2020 में किस प्रकार से संशोधन किया गया था, और अब एनईपी 2020 को किस प्रकार लागू किया जाना चाहिए। इसके जी और वहाँ ईवीएस में बताइए, चलो सीडी में तो ओवरऑल बच्चे सारे कर जी, लेकिन ईवीएस में क्वेश्चन आया था वन्य जीव अभयारण्य कब से कहाँ चालू किया गया था, किस वर्ष चालू किया गया। इसके बाद सांप वन्य जीव अभयारण्य कब चालू किया, राजा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद ईवीएस में क्वेश्चन आया था असम में घर किस प्रकार के पाए जाते हैं, लद्दाख वाला भी लद्दाख में भी आया था, और मिलान भी उसका मतलब चार राज्य थे उसके मिलान थे। हाँ, असम थे, लद्दाख थे, हिमाचल प्रदेश थे, बंगाल के नियर मतलब बंगाल केंद्र शासित प्रदेश है नियर उसके बंगाल खाड़ी के नियर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है पश्चिम बंगाल उसके जी वो केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल में नहीं आता है। मैथ वगैरह जी मैथ वगैरह में ईवीएस 2000 मैथ में सीडीएफ की भी
उसमें भी 2005 के बारे में बताया गया था हमें मैथ हमें किस प्रकार पढ़ना चाहिए, मैथ हमें तार्किक एवं बहुबुद्धि के आधार पर पढ़ना चाहिए, ना कि उसे रटतंत्र प्रणाली के अनुसार पढ़ना चाहिए। मैथ में अमूर्त प्रकार के चिंतन में उस क्वेश्चन आया था, मैथ में किस प्रकार के चिंतन करना चाहिए, मैथ में अमूर्त प्रकार के चिंतन करना चाहिए। संस्कृत बता दीजिए, जिन बच्चों के संस्कृत जी संस्कृत कैसे करें, संस्कृत मतलब सबसे पहले संस्कृत करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि उसको पहले ग्राफ ना पढ़ा जाए, क्योंकि यदि पहला ग्राफ पढ़ोगे तो समय का बहुत बड़ा वहाँ पर अभाव पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िए, उसी पैराग्राफ में सबमिट कीजिए, इसके बाद उसको मतलब वहाँ से आंसर निकालिए। इसके प्रकार हाँ प्रत्यय भी उसमें आया था और उपसर्ग भी आए थे, इसके बाद लट लकार लोट लकार इस प्रकार के भी क्वेश्चन संस्कृत भाषा में सबमिट थे। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कुछ थे भी? जी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन थे, पेडागोजी से थे, लेकिन संस्कृत जो है वो रिपीट नहीं बढ़िया करती है। चलो भैया आपका भैया कैसा पेपर हुआ? अच्छा हुआ, बढ़िया कुछ हुआ पेपर। अच्छा, कैसा आज का क्या लेवल रहा पेपर का सीटेट का? लेवल मध्यम था, मध्यम था, मीडियम था, मीडियम से सॉल्व कर सकते हैं। कितना स्कोर किया आपने? हमारा तो स्कोर 100 आ जाना चाहिए, 100 आ जाना चाहिए। हिंदी वगैरह कैसी आई आज के पेपर में? हिंदी संस्कृत सारे कुछ मतलब सही इजी आ रहा था, सीडीपी भी इजी आ रही सारा कुछ, सारा कुछ। कान क्या नाम आपका? इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत यादव भैया, आपका भैया क्या कैसा पेपर हुआ? मेरा पेपर बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ है। क्वेश्चन वगैरह याद है कुछ है आपको, जिनके आगे शिफ्ट में लगे वो कैसे तैयारी करें, क्या पढ़े, क्या तैयारी करके जाएं? कुछ नहीं, मैथ में थोड़ा सब आपका कोई क्वेश्चन इजी था, पेडोलॉजी छोड़ करके सवाल जो थे काफी इजी आए थे, मात्रक से चेंज करने के लिए जैसे मेली हो गया, सेंटी हो गया, डेसी हो गया। हाँ मैथ में ये पूछा गया था। डिस्टेंस वाला क्वेश्चन नहीं, अंतराल पूछा जाता है, 1/4 वाला भाग इसमें नहीं नहीं, संख्याओं से पूछा गया था बस उसमें शामिल, संख्याओं का योग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, संख्याओं का योग वाला क्वेश्चन वगैरह। हाँ उसमें एक एंगल वाला निकालना होता है, कल जैसे 1/4 का पूछ दिया गया, 45% निकाली। हाँ ये नहीं दिया, बट सही बटे था, नहीं ट्रेंगल सही बटे ग्रुप में था, दिया था। भैया आपका कैसा पेपर? बहुत अच्छा पेपर हुआ, जैसा कि आगे बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, रिलैक्स होकर पेपर थे, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है। जैसे कि लोगों संस्कृत इत्यादि में बड़ा भड़बड़ा जाते, भड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें मात्र 2-3 प्रत्यय पूछते हैं, जैसे लेप प्रत्यय हुआ, एकत्वा प्रत्यय हुआ और सानिश प्रत्यय हुआ, इस प्रकार से प्रत्यय पूछ रहे हैं। और संस्कृत में लकार जो लट लकार के रूप 5 लकार के जो सिलेबस में लगा है वह जैसे आज कुरवंति पूछा गया था जी, और उसके बाद में संस्कृत में उसी पैराग्राफ से ही आ रहा था और लेप प्रत्यय भी शायद पूछा गया था एक, इस प्रकार से संस्कृत बहुत ही अच्छी रही, जो पढ़ लेता उसके लिए अच्छा होगा। और मैं हिंदी तो बहुत ही अच्छी रही, हिंदी में हिंदी के क्वेश्चन ये मान लीजिए आप, एक तो आपका विलोम शब्द आया था और एक इस तरीके से उसी से सारे उपसर्ग वगैरह, हाँ एक उपसर्ग आया था हिंदी में जिसमें से लेप लेप प्रत्यय सफलता का उपसर्ग आया था, इसमें उपसर्ग जी उपसर्ग और प्रत्यय जिसमें दोनों है, असफलता उसमें था, सफलता नहीं असफलता था, इस प्रकार से जी संस्कृत। और हिंदी में भी बहुत अच्छा रहा, और नई शिक्षा नीति 2020 से समथिंग 3-4 क्वेश्चन, एनसीएफ तक तो काफ़ी, एनसीएफ 2005 से समथिंग 6-7 क्वेश्चन, और जिन प्याजे से संगत एक क्वेश्चन, बुद्धि के सिद्धांत वगैरह क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया था जी जी एक एक। अच्छा ये बताइए बाल केंद्रित शिक्षा या प्रतिभाशाली बालक से क्वेश्चन था कोई? जी बाल केंद्रित शिक्षा से भी क्वेश्चन थे, एक से दो क्वेश्चन जी। और एक क्वेश्चन आता है आपके बीच में पूछा जाता है, अवप्रेरणा हो गया, अधिगम हो गया, अधिगम से कम 3-4 क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन अधिगम से। तो दोस्तों देखो, हम जब आप लोगों को एनालिसिस दे रहे हैं तो उन्हीं बच्चों से पूछते हैं जिनके पास ऑलरेडी पढ़ाई की होती है, उनके पास अच्छा सा रिव्यू होता है, एनालिसिस होता है, कि मतलब एनालिसिस तो सब दे रहे हैं आप लोगों के लिए, तो परफेक्ट एनालिसिस आपको क्रेकर एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पर ही मिल रहा है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बाकी नोट्स पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।